किसी अन्य की है। जिन मुद्दों को लेकर के जब वो विपक्ष में थे तो हमलावर होते थे, आज उनसे भी बहुत बदतर रास्ते पर वे केंद्र से लेकर राज्य तक चल रहे हैं। और स्मारकों में और मूर्तियों में जिस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं अपनी एकता और अपनी नीतियों को, उससे जनता का पेट नहीं भरेगा। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि पटेल जी के सपनों का जो भारत था वो ऐसा था कि जहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए, देशहिता उत्पादक हो और तलवार चलाना जानते हुए भी जो तलवार को मायान में रखते हों वही सच्चे अहिंसक हैं। उनके जैसे विचारों को आत्मसात करके आचरण में लाने की आवश्यकता थी, ना कि मूर्तियों में इतना पैसा बर्बाद करने की। उतने ही पैसा अगर किसानों का कर्जा माफी में दे दिया जाता तो शायद देश खुशहाल हो जाता। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद आज इतने दिनों तक पटेल के स्मारकों और पटेल जी के मूर्तियों पर भी राजनीति हो रही है। देश आज़ादी के बाद जिनका योगदान रहा, चाहे वो सुभाष बाबू रहे हों, चाहे पटेल जी रहे हों, चाहे अशफाकुल्ला रहे हों, चाहे बहुत सारे ऐसे देश के आज़ादी के आंदोलन के दीवाने रहे हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाया, उनके साथ राजनीति हुई और उनके कहीं ना कहीं पहचान को छुपाने का काम किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार बनी है 4.5 साल में, ऐसे बहुत सारे फैसले लिए हैं, चाहे वो अंबेडकर के पंच तीर्थों को विकसित करने का रहा हो, अंबेडकर के प्रतीकों को संरक्षित और संवर्धन करने की बात रही हो, या आदरणीय पटेल जी की प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के अनावरण का रहा हो। आदरणीय मोदी जी ने देश के गौरव और देश के महापुरुषों के साथ सदैव खड़ा होने का काम किया और विपक्ष सतही राजनीति कर रहा है।